इंडोनेशिया के मुख टापू जावा विच सोमवार को आए भूचाल के कारण 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों कि 700 तो ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। हले भी बहुत लोग लापता दसे जा रहे हैं। भूचाल तो बाद तबाही का जो मंजर है उस नाल स्थानक लोग डरे हुए ने। रिक्टर पैमाने के भूचाल की तीव्रता 5.4 नापी गई है। इस भूचाल के कारण सैकड़े इमारतां नुकसानियां गई ने ते लोगों नूं अपनी जान बचाउण दे लई सुरक्षित थावां ते भजना पिया। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूचाल आने तो बाद 25 झटके होर दर्ज किए गए ने। इस दौरान लोगों विच डर पैदा हो गया सी। इंडोनेशिया विच भूचाल के कारण कई घंटों तक बिजली भी गायब रही। 27 करोड़ की आबादी वाले इंडोनेशिया विच अक्सर भूचाल आते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि रिंग ऑफ फायर विच आता है। इत्थे कई छोटे वड्डे ज्वालामुखी भी ने। भूचाल आने तो बाद इत्थे सुनामी का भी खतरा रहिंदा है। भारत ने विदेश तो आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की शर्त हुण खत्म कर दी है। सरकार ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि हुण भारत आने वाले विदेशी यात्रियों नूं अपना सैल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। यह फैसला सोमवार अद्धी रात तो लागू हो गया। इस तो पहला विदेश तो आने वाले यात्रियों के लिए यह फॉर्म भरना जरूरी सी। सरकार के इस कदम तो बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों नूं जरूरी कागजी कार्रवाई तो थोड़ी राहत मिली है। इस तो पहला दिशा निर्देशों के तहत विदेश तो भारत आने वाले यात्रियों नूं एयर सुविधा फॉर्म भरने की जरूरत होंदी सी। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस फॉर्म की शुरुआत की गई सी। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के हुण अधिकारक एक्टिव आंकड़े 6402 ने ते रिकवरी रेट भी वध के हुण 98.8% तक हो गया। कोलंबिया के एक रिहायशी इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में जहाज में सवार 8.5 लोगों की मौत हो गई है। यह प्लेन कोलंबिया के दूजे सब तो बड़े शहर मेडेलिन में क्रैश हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इंजन में आई खराबी के कारण जहाज हादसाग्रस्त हो गया। यह जहाज सोमवार को सवेरे ओलाया हेरेरा एयरपोर्ट तो रवाना हुआ सी ते उड़ान के दौरान इसका इंजन फेल हो गया सी, जिस तो बाद एक रिहायशी इलाके में घर के अंदर डिग गया। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दसिया है कि जहाज में 6 यात्री और 2 पायलट सवार सी। इन सारे लोगों की मौत हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों जारी रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज जिस घर से क्रैश होकर डिग गया सी, उस घर में किसी के जख्मी होने या फिर मारे जाने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। फीफा विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने धमाकेदार शुरुआत की है। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में ईरान को 6-2 के नाल हरा दिता है। सोमवार को हुए पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ईरान की चुनौती थी। इतने ईरान की टीम पूरी तरह तो बेबस नजर आई। 72% समय तक बॉल इंग्लैंड के खेमे में ही रही। इंग्लैंड ने गोल करने दी कुल 13 कोशिशां की, जिन्हों में 7 टारगेट से रहे। इन्होंने 6 को इंग्लिश टीम ने गोल में तब्दील कर दिया। इंग्लैंड के लिए जुड बेलिंगम, रहीम स्टर्लिंग, जैक ग्रिलिश, मार्कस रशफोर्ड ने 1-1 गोल दागे, जदों की बुकायो साका ने 2 गोल दागे ने। इंग्लैंड की टीम हाफ टाइम तक 3-0 तक लीड बना चुकी सी। दूजे हाफ विच भी इंग्लिश फॉरवर्ड्स ने 3 गोल दागे ने। हालांकि इस दौरान ईरान ने भी इंग्लैंड की रक्षा की लाइन नु तोड़ते हुए 2 गोल किए। 3 बार दी फाइनलिस्ट नीदरलैंड्स ने भी अपना पहला मुकाबला सेनेगल के खिलाफ 2-0 के नाल जीते है। सोमवार हुए दूजे मुकाबले विच सेनेगल अते नीदरलैंड्स के विचकार कांटे की टक्कर रही है। दोवें टीमां दे कोल लगभग बराबर बॉल पोजीशन ते रही। सेनेगल ने 14 तां नीदरलैंड ने 9 बार गोल करने की कोशिश की है। हाफ टाइम तक मैच विच 1 भी गोल नहीं होया सी। दूजे हाफ विच मैच ड्रॉ वल वध रहा सी उदों ते इस दौरान 84वें मिनट विच कोडी गाको ने गोल करके डच टीम नूं लीड दिलाई, जिस तों बाद डेवी क्लासे ने इंजरी टाइम विच गोल करके नीदरलैंड्स की जित पक्की कर दी। ते उधर लंबे अरसे बाद विश्व कप खेड रही वेल्स की टीम नूं USA के खिलाफ ड्रॉ दे नाल संतुष्ट होना पिया। पंजाबी गायक ते अदाकार हरदीप गरेवाल दा गीत प्यो दा खजाना रिलीज हो गया। इस गीत दे जरिए हरदीप गरेवाल ने समाज नू एक अलग सेध देन दी कोशिश की है। हरदीप गरेवाल इस तरह दे काम लई जाने जांदे ने। इस तो पहला भी मोटिवेशनल गीत ते फिल्म दृश्यम 2 तो बाद अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म भोला की भी तैयारी कर ली है। फिल्म भोला का टीजर अजय देवगन ने रिलीज़ कर दिता है, जिस अजय देवगन डिफरेंट अंदाज देखोगे।
इस फिल्म 3D दे विच भी रिलीज़ किया जाएगा। 30 मार्च साल 2023 नू अजय देवगन दी फिल्म भोला सिनेमा घरां दे विच रिलीज़ होएगी। साउथ इंडिया की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म हनुमान का टीजर रिलीज़ हो चुका है। एक माइथोलॉजिकल फिल्म होएगी जो कि लॉर्ड हनुमान की पावर्स के नाल जुड़ी है। फिल्म नू प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया, इसनू पैन इंडिया साल 2023 दे विच रिलीज़ किया जाएगा। टीजर बेहद ही जबरदस्त लग रहा है, जिथे वक्रे लैवल के VFX का काम होया है। हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक्षा में है। ABP Sanja, Punjab de sare vadde platforms te.